जीएसटी काउंसिल की आज पहली बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि 20 लाख रुपए से ज्यादा के टर्नओवर पर जीएसटी देना होगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए यह लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है। इस फैसले से ये साफ हो गया है कि देश में कारोबार करने वाली उन कंपनियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस बात पर आम राय बन गई है कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा नियमित तौर पर दिया जाए। मुआवजे के आकलन के लिए साल 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा। साथ ही जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होगा उनसे राज्य सरकार कर वसूलेगी। हालांकि जीएसटी रेट को लेकर अभी सहमति बनती नहीं दिखी है। ऐसे में अब इस मुद्दे को फिलहाल अगली मीटिंग तक के लिए टाल दिया गया है। अगले महीने 17, 18 और 19 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इसमें टैक्स रेट और स्लैब पर फैसला लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक काफी सकारात्मक रही, काफी मतभेद भी सामने आए, लेकिन जो फैसला बैठक में लिया गया है वो छोटे व्यापारियों के लिए काफी राहत भरा हो सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।